डिप्रेशन और एंग्जाइटी का मुकाबला, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का सेलिब्रेशन किया। लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जनजागृति होना चाहिए, इसलिए 10 अक्टूबर ये दुनिया में मतलब मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से। उसके बारे में आज बातचीत करते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो रहा है। 15 से 29 साल की उम्र में मृत्यु का सेकंड कॉज जो है वो है कॉज ऑफ डेथ, सेकंड कॉज ऑफ डेथ 15 से 29 मृत्यु का सेकंड कॉज ऑफ डेथ जो है वो है मेंटल इलनेस, और पहला है रोड एक्सीडेंट। हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है और 800,000 लोग प्रति साल आत्महत्या से मर रहे हैं। दुनिया के जो 10 लोग आत्महत्या से मरते हैं उसमें का एक इंडिया का होता है, हमारे देश का होता है। 2012 से 2030 या 18 साल में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 1.03 ट्रिलियन डॉलर से लॉस में जाएंगी, क्योंकि मेंटल इलनेस लोगों को ज्यादा तादाद में हो रहा है। कॉरपोरेट्स में 42.5% लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी से ग्रसित है, उनको 52 मतलब एवरेज में 52 घंटे 52 आवर्स वर्किंग उनका होता है कॉरपोरेट्स में, और मेनली टारगेट्स है, काम का प्रेशर है, अप्रेजल का डर है, क्या होगा क्या नहीं, इनसिक्योरिटी है, और इससे डिप्रेशन एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही। तभी इसका मुकाबला कैसे करेंगे? एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रमाण यदि हो गया तो उसको मेडिसिन है, पर मेडिसिन के अलावा हमको ये देखना है कि हम कैसे पावरफुल बने, मतलब मनुष्य कैसा पावरफुल बने, ह्यूमन बींग कैसा पावरफुल बने कि उसका सामना कर सकेंगे, और उसके कोई जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें नंबर एक है कि भाई लोगों से शेयरिंग करो, अपने लोग जो है घर के लोग, अपने दोस्त इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे शेयरिंग करो। शेयरिंग से क्या होता है कि मन का दुख जो है हल्का हो जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा बर्ताव करता है तो क्यों करता है, ऐसा उसने क्यों किया, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा ज्ञान अपने को हो सकता है। अपने मन की बातें बताते हैं तो कुछ इनपुट अपने को मिलता है लोगों से, तो उससे भी अपने को कुछ खुल जाता है, और वहाँ से हम पावरफुली वो चीज़ को मतलब लीड कर सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। तो शेयरिंग करना अपने लोगों के साथ में, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नंबर दो की बात है कि घर अपने जो घर के लोग हैं उनके साथ में दोस्ती करो। क्या है, घर के लोगों के साथ में हम बहुत कम मिलते हैं, आजकल की दुनिया में तो ऐसा है कि हम ज़्यादा व्हाट्सएप पर रहते हैं, इंटरनेट पर रहेंगे, और घर में किसको क्या हो रहा मालूम भी नहीं रहता है। कम से कम ये ऐसा करो कि भाई घर के लोगों के साथ में एक तभी अपना सिटिंग होना चाहिए, हो सकता है कि खाना साथ में खाते हैं या डिनर खाते हैं साथ में, या एक साथ बैठते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और घर के लोग जैसे एक दूसरे के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त, और अपने एकदम सच्चे दोस्त के साथ में जैसा हम एक्सप्रेस करते हैं ना वैसा लोगों के साथ में करना है। तो ये हो गया। तीसरा जो है वो है पेशेंस, कि हमने कितना शांति रखना चाहिए। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन में सुबह से शाम तक हमारा टाइम जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन होता है। जस्ट बी पेशेंट, बी कूल, क्वाइट, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर विचार करो शांति से, आराम से। रिएक्ट करने के बजाय 10 बार सोचो मैंने क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या ये रिएक्शन करना जरूरी है क्या, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट जो है कि खाना, नींद और एक्सरसाइज, ये ठीक होना चाहिए। तो खाना खाना जो है वो बहुत जंक फूड खाना, बहुत ऑयली चीज़, बहुत स्वीट्स खा रहे हैं तो ये कम होना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहती है। फिर नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे नींद आप ले रहे हैं तो उससे भी सेहत ठीक रहती है। और रेगुलर एक्सरसाइज, 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक रोज़ आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे पसीना आ रहा है, तो ये हम करते हैं। फिर पांचवा जो है वो है मेडिटेशन और सेल्फ हिप्नोसिस। खुद हिप्नोसिस यदि करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस या मेडिटेशन, तो 10 से 15 मिनट का सेल्फ हिप्नोसिस बहुत फायदेमंद होता है, माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। फिर नेक्स्ट आइटम है अपना देखने का नज़रिया बदलो। क्या होता है कि हमारे नज़र से ही लोगों को देखते रहते हैं, हमको ये नहीं पता चलता कि वो दूसरा भी राइट हो सकता है, तो फिर वो राइट हो सकता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके शू में जाके, उसके जूते में जाके देखना पड़ेगा वो सिचुएशन की तरफ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मेरे नज़रिए से देखूं और मुझे क्या लगता है वही देखते जो, तो मैं राइट हूं
तो वो मैं राइट हूं, बहुत ही मैं सही हूं, मेरा बोलना ही सही है, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, इस तरह से रहेंगे तो बहुत टेंशन आ जाता है। तो सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी नज़र में क्या आ रहा है, वो देखना वो जरूरी है। तो जरा देखो कोशिश करके, ये आप करेंगे तो डिप्रेशन एंग्जाइटी का मुकाबला अच्छी तरह कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।